हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइसेल्फ डॉक्टर संजय सिंह। आज के इस वीडियो में बात करने वाली हूँ हियरिंग लॉस के बारे में। कुछ लोगों में ये पार्शियल होता है, थोड़ा बहुत हियरिंग जो होती है, हार्डनेस ऑफ हियरिंग होती है, कम सुनाई देता है। कुछ लोगों में कंप्लीट हियरिंग लॉस होता है, पूरी तरीके से सुनाई देना बंद हो जाता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि हियरिंग लॉस जो होता है इसके कारण क्या होते हैं, ये कितने टाइप्स का होता है। होम्योपैथिक मेडिसिन हेयरिंग की प्रॉब्लम में, डेफनेस में, बहरेपन की प्रॉब्लम में कितनी यूजफुल होती है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। अब बात करते हैं हेयरिंग लॉस के बारे में। हेयरिंग लॉस के प्रॉब्लम को समझने से पहले हमें थोड़ा सा ईयर के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। ईयर का जो स्ट्रक्चर होता है वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। आउटर ईयर से जो साउंड वेव्स होती हैं वो कलेक्ट की जाती हैं और मिडिल ईयर में जो ईयर की बोन्स होती हैं वो उसको एम्पलीफाई करती हैं। फिर उसके बाद जब इनर ईयर में ये जाती हैं साउंड वेव्स, तो वहाँ पे ये इलेक्ट्रिक वेव्स में कन्वर्ट होती हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट होती हैं। उसके बाद हमारे ब्रेन तक जाती हैं जहाँ पे हमको समझ आ रखता है कि हम जो भी साउंड सुन रहे हैं वो क्या है। तो हियरिंग का प्रोसेस ऐसे काम करता है। अब अगर आपको इस पूरे प्रोसेस में कहीं पर भी प्रॉब्लम होती है तो आपको हार्डनेस ऑफ हियरिंग, हेयरिंग लॉस हो सकता है। अगर आपको आउटर यानी कि एक्सटर्नल ईयर या फिर मिडिल ईयर में कहीं पर प्रॉब्लम आती है तो इसको कंडक्टिव हेयरिंग लॉस कहते हैं, जहाँ पे आपको कंडक्शन में प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अगर आपको इनर ईयर में प्रॉब्लम होती है तो इसको सेंसरी हेयरिंग लॉस या सेंसरो न्यूरल हेयरिंग लॉस कहते हैं, जहाँ पर आपके नर्व्स में प्रॉब्लम आती है तो इसको सेंसरो न्यूरल हेयरिंग लॉस कहते हैं। अब हेयरिंग लॉस के अगर लक्षणों की बात करें तो इसमें आपको कंप्लीट हेयरिंग लॉस हो सकता है या पार्शियल हो सकता है। आपको हार्डनेस ऑफ हेयरिंग हो सकती है, मतलब कम सुनाई दे, या फिर आपको पूरी तरीके से साउंड आना बंद हो जाता है। आपको यूनिलैटरल हो सकता है यानी एक ही कान में प्रॉब्लम हो, या बाइलैटरल हो सकता है, दोनों कानों में आपको आवाज़ बिल्कुल नहीं आती है। कई बार आपको जो आवाज़ है वो नॉइज़ में ज़्यादा अच्छे से सुनाई देती है। कई बार जब आप बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, कोई नॉइज़ नहीं होती, उस टाइम पे जब कोई बात करता है तो आपको सुनाई देता है। अदरवाइज़ जब आप बाहर जाते हैं, थोड़ा बहुत शोर होता है आसपास, तो आपको बिल्कुल सुनाई नहीं देता। इसके अलावा अगर बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है, कंजेनाइटल प्रॉब्लम होती है, बाई बर्थ बच्चों को सुनाई नहीं देता, तो बच्चों में बोलने में भी प्रॉब्लम आती है। उनको बोलने में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब उनको सुनाई ही नहीं देता, कोई चीज़ समझ ही नहीं आता, तो फिर वो बोल नहीं पाते। ये भी लक्षण देखने को मिलता है। अब अगर कारणों की बात करें कि किस वजह से हेयरिंग लॉस डेवलप होता है, तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट कारण होता है, सबसे बड़ा रीज़न होता है हेयरिंग लॉस का, वो होता है एजिंग। जैसे जैसे एज बढ़ती है, बुज़ुर्गों में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। लाइक अदर सेंसेस जो होते हैं, उस तरीके से हेयरिंग में भी वियर एंड टियर होता है और सुनाई देना कम हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा कारण होता है। इसके अलावा हेयरिंग लॉस के कुछ कारण जो होते हैं वो टेम्प्रेरी होते हैं, जैसे कि टॉन्सिलाइटिस हो गया या फिर एडिनॉइड्स हो गया। तो इन सब केसेस में क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए सुनाई देना बंद हो जाता है। एयरबैग्स की अगर प्रॉब्लम हो गई तो इसमें भी आपको कुछ टाइम के लिए सुनाई देना बंद हो जाता है। कुछ कारण जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं, जैसे कि कुछ डिजीजेस हो गई, जैसे कि अकोस्टिक न्यूरोमा हो गया, इनर ईयर में ट्यूमर हो गया आपको, या फिर आपको जो ऑडिटरी नर्व है उसमें कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाती है। इसके अलावा कुछ ऐसी डिजीज़ कंडीशंस भी होती हैं जिसकी वजह से आपको हेयरिंग लॉस हो सकता है। कुछ ईयर से रिलेटेड होती है, जैसे कि मेंड्रस डिजीज़ हो गया, टिनाइटस हो गया, और कुछ अदर डिजीज़ होती हैं जैसे कि आपको मेनिनजाइटिस का इन्फेक्शन हो गया, तो उसमें भी आपको हेयरिंग लॉस हो सकता है। इसके अलावा अगर एयर बैग्स बहुत ज़्यादा हैं तो उसमें भी आपको हेयरिंग लॉस हो सकती है। अगर आपको मिडिल ईयर इन्फेक्शन है, ओटाइटिस मीडिया है, तो ऐसे में भी आपको हेयरिंग लॉस देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ अगर आपको जो आपका ईयर ड्रम होता है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, कई बार क्या होता है बहुत तेज़ आपने साउंड सुन लिया अचानक से,
तो आपका जो कान का पर्दा होता है वो फट जाता है, उसकी वजह से हेयरिंग लॉस हो सकता है। अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन रहता है, तो ऐसे में आपका हेयरिंग जो है धीरे धीरे करके डिफेक्ट होता है और आपको हेयरिंग लॉस हो सकता है। एक और जो रीज़न आजकल ज़्यादा देखने को मिलता है कि जब लोग बहुत ज़्यादा टाइम तक ईयरफोन या हेडफोन्स लगा के म्यूजिक सुनते हैं, उसकी वजह से भी धीरे धीरे करके हेयरिंग लॉस डेवलप होता है। बच्चों में ये प्रॉब्लम कंजेनाइटल भी हो सकती है, बर्थ डिफेक्ट की वजह से बच्चों में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि बाय बर्थ ही उनको सुनाई नहीं देता है। तो ये सारे कुछ रीज़न होते हैं जिसकी वजह से आपको हेयरिंग लॉस हो सकता है। रिस्क फैक्टर्स की बात करें कि कौन से लोगों में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो वो लोग जिनको डायबिटीज़ है या फिर जिनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है उनको होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, या फिर वो लोग जो ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे साउंड बहुत ज़्यादा रहता है, या जिनका काम ऐसा है जो बहुत ज़्यादा साउंड का होता है, उनको बहुत ज़्यादा चांसेस हाई रहते हैं हेयरिंग लॉस होने के। जो लोग बहुत ज़्यादा टाइम तक एयरफोन लगा के रखते हैं या फिर ऐसा उनका काम है जहाँ पे उनको कान में ईयरबड्स ईयरफोन्स लगा के रखने पड़ते हैं, ऐसे काम में भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि हेयरिंग लॉस डेवलप हो जाए। तो ये सारे कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिससे हेयरिंग लॉस जो है बहुत जल्दी डेवलप होता है। अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में जनरली क्या होता है कि आपका कारण क्या है सबसे पहले वो पता लगाया जाता है, उसके बाद उस हिसाब से मैनेजमेंट होता है। लाइक अगर आपको ईयरबैग्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो उसको निकालना पड़ सकता है, अगर आपको ओटाइटिस मीडिया है तो उसको ट्रीट किया जाएगा, अगर आपको एकॉस्टिक न्यूरोमा है तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है, कई बार हेयरिंग एड भी यूज़ किया जाता है तो भी उससे आपको सुनाई देना थोड़ा ईजी हो जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि होम्योपैथी इसमें कैसे हेल्प करती है। होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत यूजफुल होती है अगर आपको हेयरिंग लॉस डेवलप हो रहा है, आपको हेयरिंग लॉस या डेफनेस हो गया है, तो इन केसेस में बहुत यूजफुल होती है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट सिम्प्टोमेटिक होता है, जो आपको लक्षण आ रहे हैं उस हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो आपको कॉज है उस हिसाब से दिया जाता है और बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। आज मैं आपको 5 बहुत अच्छी होम्योपैथिक दवाइयाँ बता रही हूँ। आपको सारी दवाई नहीं लेनी है जिससे आपके लक्षण मैच करें, आपको बस वही लेना है। फिर अगर आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा टाइम से है तो आप किसी डॉक्टर के पास विजिट करके अपना कॉज पता करके उससे प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। हमारी सबसे पहली जो दवा है वो है चिनोपोडियम। चिनोपोडियम उन केसेस में अच्छा काम करती है जहाँ पे आपको जो ऑडिटरी नर्व्स होती है उनमें वीकनेस हो गई है, उसकी वजह से आपको सुनाई कम देने लगा है, ऑडिटरी नर्व आपकी वीक हो गई है, कानों में आपको हैवीनेस रहता है, हेयरिंग लॉस डेवलप हो रहा है, ऐसे में ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है। दूसरी हमारी मेडिसिन है ग्रेफाइटिस 30 बार में। ग्रेफाइटिस उन केसेस में अच्छा काम करती है जहाँ पे आपको सुनाई कम देता है, जब आप नॉइज़ में होते हैं बहुत ज़्यादा आपके आसपास शोर होता है उस टाइम पे आपको क्लियर सुनाई देगा, लेकिन जब आपको आसपास बहुत ज़्यादा साउंड नहीं होता है, घर पे आप होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस नहीं है, ऐसे में आपको सुनाई देना कम हो जाता है, ऐसे में आपको कम सुनाई देता है, तो इस केस में ग्रेफाइटिस बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है। थर्ड हमारी मेडिसिन है चिन्नम सल्फ। चिन्नम सल्फ उन केसेस में अच्छा काम करती है जहाँ पे आपको मिनरस डिजीज़ की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, आपको कानों में बहुत ज़्यादा वायलेंट रोरिंग बजिंग सा होता है, आपको चक्कर भी आते हैं, आपको कानों में अलग अलग तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं, ऐसे केस में चिन्नम सल्फ बहुत ही उपयोगी मेडिसिन होती है। फोर्थ हमारी मेडिसिन है सालिसिया 30 पावर में। सालिसिया उन केसेस में बहुत इफ़ेक्टिव होती है जहाँ पे आपको ईयरबैग्स हो गया है जिसकी वजह से आपको सुनाई नहीं देता है, आपको हैवीनेस लगता है। ईयरबैग्स स्पेशली अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं उस केसेस में बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है सालिसिया। फिफ्थ हमारी मेडिसिन है एग्राफिस न्यूटस 30 पावर में। ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है जहाँ पे आपको एडेनोइड्स हो गए, टॉन्सिल्स हो गए, उसकी वजह से आपको सुनाई देना कम हो गया या फिर बिल्कुल सुनाई नहीं देता, ऐसे केसेस में ये दवा बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है। तो फ्रेंड्स, ये 5 होम्योपैथिक दवाएँ मैंने बताई, इसके अलावा बहुत सारी दवाएँ हैं जो आपके कारण आपके लक्षण के इस पर दिया जाता है और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं।
आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी कोई क्वेरी है, कोई सजेशंस है, किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।